और ये हमारी चाची हलवा बनाते हुए, ये देखिए दांत नहीं गिर रहे, दांत नहीं है, ये कह रहे हैं दांत नहीं है, बाकी सब कुछ है। और पूरे घर में अकेले रहती है दादी, पूरे घर में अकेले रहती है दादी। एक नए ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हमें दावत में बुलाया है ऊपर, जो हमारे जो यू नो गांव है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से गढ़वाल में तवा दिखाओ, देखिए तवा ये है, और इस तरीके से यहाँ हर बंदे को, मतलब जो लेडीज़ है वो क्या करते हैं कि रोटी बनाने के लिए तवा बेलन ले जाना पड़ता है। और ऊपर का घर देखिए, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, हमें वहाँ पर जाना है, वहाँ पर पूजा है, देखिए ये दिखा देता हूँ मैं, वहाँ पर जाना है हमें, और यहाँ रोटी बनानी है, और बहुत ही यूनिक सा है और बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग को एक एक टाइम का हम जानकारी देते रहेंगे, देखते रहना, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है ये आज का। सुरेश क्या है ये, और लाइट है, ये टॉर्च है, टॉर्च किस लिए ले जा रहे हो? क्योंकि रात को आते आते हमें लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, अंधेरे में क्या चाहिए होता है? टॉर्च, यस, वेरी गुड। हाँ चलो बोलो, ये देखिए हम घर में ताला मार के जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं सब किस्म। और ये बहुत ही सुंदर, और ये आगे का दृश्य आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा, देखिए कितना बड़ा है हमारा ये घर, देखिए। और ये अच्छे से ताला मार दो, इसमें ताला मार के जा रहे हैं हम सभी। तो जल्दी हमारा जो सेकंड ब्लॉग आएगा उसमें हम अपने पूरे घर का मतलब टूर कराएंगे, ये टूर कराएंगे, यहाँ पर बताएंगे कि हमारे यहाँ पे हर चीज को क्या क्या कहते हैं हमारी भाषा में, और आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आपके यहाँ क्या। और हम 150 साल पुराने घर का टूर कराएंगे आपको, आप बहुत ही अमेजिंग होने वाला है नेक्स्ट ब्लॉग। तो अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं ऊपर, हमें वीरो इनविटेशन आया है, तो सबसे पहले तो रोटियां बनाएंगे, रोटियां बना के फिर हम एंजॉय करेंगे और खाएंगे। सुरेश कैसा लग रहा है? अच्छा, वेरी गुड। और सब जाते हुए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छन्नी कहते हैं इसे यहाँ पर, और यहाँ पर गाय भैंस बांधी जाती है। और चलो चलो, और ये देखिए सीन, देखिए वाओ कितना लवली सीन है, कितना अच्छा लगता है। चलो 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 चलो, गेट रेडी, लेट हो रहे, चलो। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं, हमें इनविटेशन आया है ऊपर वाले, जैसे मैंने आप लोग, तो दोस्तों हम जाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे जी कैसे जाते हैं हम, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और हमें अंधेरा होने से पहले हमें पहुंचना है। और श्रेयस के हाथ में टॉर्च है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो आप देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है, तो कीप वॉचिंग। और यहाँ पे देखिए गन्ने भी लगे हुए हैं, गन्ने का खेत। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये मूला कहते हैं जिसे, हम मूला लगा हुआ है। ये बड़ी कल झंडी है, तो ये श्रेयस को तो लग रही है यहाँ ठंड, तो उसने कैप वैप सब पहन रखी है। मुझे ये मेरे शर्ट में आया, और मैंने जैकेट घर पे ही छोड़ दिया है, और बहुत ही ठंड लग रही है, और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम होता रहेगा ना ठंड बढ़ती रहेगी, और ये उत्तराखंड का मौसम। तो गाइस पीछे का व्यू देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए मैं तो बहुत ऊपर आ चुकी हूँ, और पीछे से मम्मी और मेरे हस्बैंड और बेटा, और साइड से आप देख रहे होंगे आवाजें आ रही हैं बर्ड्स। बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हम आ गए हैं ऊपर जहाँ हमें इनविटेशन मिला था, बहुत ही सुंदर। और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं, यहाँ का व्यू तो और अमेजिंग है। और ये हमारे चाचा जी नमस्ते, और हमारे ब्लॉग को आप देखते रहिए, बहुत ही अच्छा, देखिए व्यू कितना अच्छा है और कितना अच्छा लग रहा है, आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। इन्हीं के घर में हम आए, इनविटेशन मिला हमें खाने का, और मैं आपको और भी अच्छा दिखाऊंगा। थैंक यू चाचा जी, हमारी ये, और ये हमारी चाची हलवा बनाते हुए, ये देखिए किस तरीके से हलवा बना रहे हैं, देखिए। और ये चाची बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, तो मतलब चाची बहुत अच्छा हलवा बनाते हैं आज, बहुत मतलब उनके हाथ का जो हलवा खा के
तृप्ति मिल जाएगी हमें। और ये देखिए किस तरीके से, देखिए कहाँ कोई गैस नहीं कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए लकड़ी से जलाते कितना नेचुरल तरीके से पकाते हैं और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, आगे भी आपको दिखाते हैं। और ये दोस्तों ये देखो ये बच्चे, व्यू देखिए कितना अच्छा। जय माता दी बोलो, वेरी गुड। और यहाँ पर बच्चे बहुत ही मस्ती करते हुए चाची। और यहाँ पर तवे में देखिए रोटी बनाई जाएगी। और ये देखिए ये पूरी फैमिली, व्यू देखिए बहुत ही अच्छा। और ये हमारी दादी। और बच्चों कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है, कैसे लग रहा है? अमेजिंग व्यू है। और ये देखिए फैमिली है, दीदी है, सब लोग हैं। और ये हमारे दादाजी। और सौम्या कैसे लग रहा है? व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, अमेजिंग व्यू है ना, वेरी गुड। सौम्या अभी देखो रोटी बना रहे हैं, कैसे कैसे बनता है देखो। अब देखो मैं दिखा रहा हूँ गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से रोटी बनाते हैं ये सब। और दादी सब ठीक? चलो बहुत बढ़िया। ये देखिए रोटी बनाते हुए, बस बस बेटा ऐसे नहीं करते हैं, रोटी बनाते उसके बाद कर लेना। और ये देखिए किस तरीके से रोटी बनाते हैं, बहुत ही अच्छा। हाँ आपकी भी फोटो आ रही है, आप टेंशन मत लो, एक लाइक इस दादी के लिए हो जाए जो कह रहे बार बार कि मेरी फोटो नहीं आ रही, उनको बार बार हम दिखा रहे हैं। गाना सुनाओ एक, कुछ तो सुना दो। ये दादी आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? 60? कितना झूठ कह रही है। देखिए अभी भी मतलब दादी 85 की हो चुकी है, अभी भी कह रही मैं 60 साल की हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये 120 पार कर जाएंगे। हाँ क्या क्या राज है, देखिए ये दादी जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ अकेली रहती है और देखिए अपना सब कुछ पालन पोषण सब खुद ही करती है। दादी आप कैसे कर लेते हो ये, ऐसा इतनी मेहनत कहाँ से कर लेते हो आप इस एज में, 85 की एज में आप कैसे कर लेते हो आप, और इतने फिट कैसे हैं आप? आप बताओ कि फिट कैसे हैं ये दादी, एक्चुअली थोड़ा सा तो ये दादी कह रही है मैं सब मेहनत करती हूँ, मैं गेहूँ भी काटती हूँ, मैं मिर्च भी लगाती हूँ, मैं सब काम करती हूँ घर के, तभी मैं इतना फिट हूँ। और इन दादी को लगता है कि आप 100-120 देसी घी खाती हैं, दूध पीती हैं, तो मतलब ये घी खाती है 85 इयर्स में। देखिए बिना कोई इनको भगवान की दया से इनको भगवान लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे हमेशा, जैसे अभी ये स्वस्थ है। बस दांत दादी के कम हो गए, दादी जरा हंस के दिखा दो आप। दांत नहीं गिर रहे, दांत नहीं है, ये कह रहे दांत नहीं है, बाकी सब कुछ है। और पूरे घर में अकेले रहती, पूरे घर में अकेले रहती दादी, बहुत बड़ी बात है। ये एक दिलेरी जी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए जंगलों के बीच में घर है और पूरा पहाड़ के बीच में घर है, और ये दादी अकेली रहती है। दादी आपको सलाम है हमारा, और प्लीज गाइज लाइक करना मत भूलिए दादी के लिए कम से कम। सो गाइज आप देख सकते हैं हमने खाना खा लिया है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर सभी खाना चल रहा है और बहुत ही अच्छा व्यू है देखिए। और यहाँ पर देखिए आप ठंड इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर ये जून के मंथ में जहाँ दिल्ली में इतनी गर्मी है, यहाँ हमें आग सेकनी पड़ रही है। और ये देखिए वो कितने आग सेकनी पड़ रही है, ओहो। तो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि यहाँ ये उत्तराखंड का कमाल है। देखिए मैंने कहा था ना यहाँ रजाइयाँ लेनी पड़ती है, ठंड लग रही है और मैं जैकेट भी नहीं लाया तो मुझे आग सेकनी पड़ रही है। हाँ जी दादा जी बताइए। दादा जी मैंने क्या पहन रखी है? आपने पहन रखी जैकेट। अब मैं अभी कहाँ से आ रहा हूँ? आप आ रहे हो कहाँ से? खाना खा के आ रहे हैं। क्या आप दायित्व बनता है कि आप मेरे वीडियो बनाए कि मेरे हाथ धुलाए? नहीं नहीं सबसे पहले आपका हमारा दायित्व बनता है। हाँ जी ऐसे चले गया तो मेरा क्या होगा?
अरे हाथ धुलाने में वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो देखने वाले बहुत है, यही बर्बाद है इंडिया का मुख्य कारण यही है। लेकिन नहीं नहीं दादाजी एकदम सही बात कर रहे हैं, हाथ में धुला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। देखो दादाजी ने कहा और तुरंत देखिए तुरंत बॉटल आ गई है यहाँ पर अपनी गलती का महसूस करते हुए, और तुरंत देखिए तुरंत, और ये दादाजी के हाथ धुलवा दिए और पुण्य का काम किया है ये चाचा जी आपने, ये गलती दोबारा ना होए और ये बच्चों को भी सिखा। नहीं आपकी बात सही है और हमेशा अपने बड़ों का आदर सबसे पहले। और इस तरीके से उत्तराखंड में जब रात हो जाती है अपने गांव में जाते हैं तो अगर आपके पास टॉर्च नहीं है और कुछ नहीं तो फिर ये छिल्ले इसे कहते हैं, इनमें क्या होता है इन लकड़ी में जल्दी आग पकड़ती है। और सबसे बड़ी बात है इस तरीके से आप अपना जाते हो घर में और ये देखिए मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से जाते हैं उत्तराखंड में देखिए। और ये चीड़ का पेड़ होता है ना, ये जब इसको लगाते हैं तो ये एकदम आग पकड़ती है और ये काफ़ी टाइम तक रहती है, तो बहुत पुराने टाइम से ये रीति रिवाज चल रहा है। ये देखिए जाते हुए